जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे जय निताय गौर चंद्र जय निताय गौर चंद्र जय निताय गौर चंद्र जय निताय गौर चंद्र जय गिरी गोवर्धन जय गिरी गोवर्धन जय गिरी गोवर्धन जय गिरी गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री चैतन्य चरितामृत की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज सभी का बहुत सौभाग्य है गौरव पूर्णिमा आज जो शुभ अवसर 7 मार्च को आने ही वाला है। इस अवसर पे हमें गौ कथा का जो अमृत है उससे अपार करने के लिए हमारे बीच है इस ग्रेस ब्रज सुंदर प्रभु के बारे में हम संक्षेप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है कहने के लिए। प्रभु जी का जन्म 1984 दिसंबर में हुआ और शुरू से ही मैं आध्यात्मिक वातावरण अपने घर में माता पिता के माध्यम से प्राप्त हुआ ब्राह्मण परिवार में होने के कारण और इनकी माता ने इनको आध्यात्मिक मार्ग में काफी प्रशिक्षण पहले से ही दिया। प्रभु जी ने मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और
हिस्ट्री में एमए किया, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुझान होने के कारण जब इन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले कई जगह तो थोड़ा निराश हुए जो इनके आध्यात्मिक प्रश्न थे। और फिर आखिरकार सफेद रकम होता है 2002 में इनकी इस्कॉन के भक्तों से मुलाकात हुई, उन्होंने इस्कॉन में पूरी तरह सम्मिलित हो गए। उसके कुछ वर्ष पश्चात 2007 में श्री श्रीमद लाला गोविंद साई महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और उसके कुछ समय बाद से ही श्री श्रीमद लाला गोविंद साई महाराज और श्री श्रीमद गौर किशोर गोसाई महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त करके पूरी तरह अपने आप को वैदिक शिक्षाओं और विशेष रूप से जो वैदिक मानव का सार है श्रीमद भागवतम उसके प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित करने के लिए उन्होंने वृंदावन द्वार में ही अपना निवास बनाया। और तब से निरंतर वे श्रीमद् भागवतम पर सेमिनार प्रस्तुत करने के लिए देश और विदेश जैसे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रूस, यूके और अन्य एशिया देशों में यात्राएं करते रहते हैं। और उन्होंने दुनिया भर में जो उनके भागवत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कोर्स है उसके माध्यम से लगभग 4000 भक्तों को श्रीमद् भागवतम के अध्ययन और शिक्षण के विभिन्न तरीकों में प्रशिक्षित किया है। वर्तमान में 9700 से अधिक भक्त विश्व स्तर पर जो प्रमुख तकनीक बताई है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए उस तकनीक का अनुसरण करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही सभी लोगों तक ये पहुंच सके इसके लिए उन्होंने टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम एक पुस्तक प्रकाशित की है, साथ ही पाक्षिक की पत्रिका नित्य भागवत सेवा के संपादक के रूप में वो कार्य करते हैं और ये पत्रिका 35,000 से अधिक भक्तों को प्रसाद दिए जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम पर विशेष रूप से प्रभु जी माहिर हैं और साथ ही गौर कथा भी उनकी काफी विशेषज्ञता है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए प्रभु जी का स्वागत करना चाहेंगे और उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह प्रभु की सौभाग्य की हरे कृष्णा। मैंने कृष्ण केशव प्रभु से बात किया तभी उन्होंने उन्हें परमिशन मांगी थी कि हम लोग प्यार के साथ एक एक पद के साथ आगे अध्ययन करेंगे, और क्योंकि इसमें करीबन 300 के आसपास श्लोक है, अगर सिर्फ अगर ओवरव्यू करते जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो जो शाम का सत्र है शीर्ष और गोपीनाथ वाला वो भी इसमें मर्ज हो जाएगा, और जो कल सुबह और कल शाम को भी जो जो विषय है वो सारव भट्टाचार्य की जीवन चरित्र पर ही चलेगा, और लेकिन हम लोग उन जो कथाएं हैं जो विषय लिया गया वो इसके अंदर हम लोग प्रयास करेंगे इसमें आ जाए। और सर्वप्रथम आप सब महानुभाव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने मुझे मैनेजमेंट के जाल से निकाल कर कथा करने का लगा दिया, इसलिए उनका भी विशेष आभार। 20 दिन के मायापुर में मीटिंग्स करते करते मति भगवान में लगनी चाहिए तो ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु को दया आ गई मुझ पर, तब उन्होंने दया करके मुझे आमंत्रित किया, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ। आप सब लोगों को खुशी की बात एक बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य भक्ति चारु महाराज के एक सेंटर है डी लैंड में, तो वहाँ पर इस्कॉन भागवत महाविद्यालय चालू हो चुका है। महाराज जी ने एक पत्र लिखा था मुझे जिसमें मैंने महाराज को इनवाइट किया था, शायद आप जानते हो, उस महाराज कहा था मैं आऊँगा भागवत महाविद्यालय। तो लेकिन अमेरिका यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आने से पहले महाराज जी अमेरिका चले गए, तो मुझे भागवत महाविद्यालय को अमेरिका ले जाना पड़ा, और डीलैंड में पर पूर्णचंद्र प्रभु के मार्गदर्शन में
वहाँ पर इस्कॉन भागवत महाविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, वहाँ पर अच्छी टीम भी बनी हुई है और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस, कनाडा में इंग्लिश इंग्लिश में कोर्सेज होंगे और जो साउथ अमेरिका में जो स्पेनिश कोर्सेज वो भी वहाँ पर चलेंगे। तो आप सब वैष्णव से प्रार्थना है कि आप इस जो संकल्प लिया है, सत्य संकल्प लिया है, उसके लिए आप सब आशीर्वाद दें कि ये कार्य, भागवत प्रचार का कार्य आगे बढ़ता रहे। और आज का जो प्रसंग चालू करना है, तो जो बंगला भाषा है ये मेरी फोर्थ लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, सेकंड हिंदी है, थर्ड इंग्लिश है, फोर्थ बंगला है। तो प्यार पढ़ते हुए कुछ गलती हो जाए तो आप सब वैष्णव क्षमा करेंगे। सब महानुभाव है, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि भागवत ही मेरा विषय रहा है हमेशा, भागवत पर ही खूब प्रवचन किया हूँ। चैतन्य चरितामृत पर बहुत कम अवसर मिले हैं, या फिर अवसर उन्होंने सामने वाले ने कोई पूछा ही नहीं कि आप चैतन्य चरितामृत पर कीजिए, तो आज अवसर मिला है तो महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करने का आप सब वैष्णव के आशीर्वाद से। तो मैं आप लोगों को प्रणाम करते हुए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जन्मादियस्य यतन्वयादितरतः शार्तेष्व अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरानां सतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्ध्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादं मृतद्रौमसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं द्विजतारिणं परमानंदमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामाप्रदं देवं अवधूताशिरोमणिं। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमांब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नौमी तम गौरचंद्रम यह कुकर्त कर्कशाशिम
सार्वभौमम सर्वभूमा भक्ति भूमा नमाचरत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने कुतर्क कुकर्ष हृदय वाले, कुतर्क मतलब जो मायावादी सार्वभौम है हमेशा कुतर्क में पड़े रहते हैं और जिसका हृदय कर्कश है, ऐसे सारों भट्टाचार्य को भक्ति से परिपूर्ण कर दिया। उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, नित्यानंद को प्रणाम करते हैं, अद्वैत चंद्र को प्रणाम करते हैं और गौर भक्त वृंद समस्त गौर भक्तों को प्रणाम करते हैं। आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे जगन्नाथ देखी प्रेमे हैला अस्तिरे। जगन्नाथ अलिंगिते चलीला धैया मंदिरे पड़ीला प्रेमे अविष्ट हैया। चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा सा हमें ये इतिहास जानना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु माया जगन्नाथपुरी कैसे पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात 3 दिन तक राड देश से जा रहे थे और नित्यानंद वो जा रहे थे वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको भ्रमित करते हुए, महाप्रभु तो ऐसे होंगे नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बंगाल पहुंच गए हैं और जब वे गंगा के दर्शन कर रहे थे उनके मन में ही था कि यमुना है, लेकिन यमुना में आगे जाते जाते महाप्रभु की ये भावना थी कि हम यमुना में यमुना जा रहे हैं और ये तो यमुना जी है, आगे जाके मथुरा आएगा, वृंदावन आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर अद्वैत आचार्य जी बोट से आ गए। तब ये समझ नहीं पा रहे, पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले आप सही जगह है। अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि आप तो बंगाल में है, बोले बंगाल में कैसे आ गया, ये नित्यानंद ने दोबारा छल कर दिया लगता है। फिर उसके बाद वे सब लोग नवद्वीप चले गए, वहाँ पर सची माता ने उनके दर्शन किए, सची माता ने उन्हें प्रसाद खिलाया और वे सब शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कई सारे आपस में उन्होंने अपनी अपनी लीलाएँ की, हंसी मजाक किया और एक बहुत प्रचंड मात्रा में नाम संकीर्तन हुआ। और नाम संकीर्तन होने के पश्चात महाप्रभु ने निर्णय लिया कि अब मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा समय रहूँगा तो लोग कहेंगे सन्यासी होकर माँ के आश्रम में रहता है तो अच्छा नहीं है। तो वो जाने ही वाले थे, वृंदावन की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन सची माता ने कहा कि बेटा तुम पास में रहोगे तो अच्छा होगा, तो नीलाचल में रहो, जगन्नाथपुरी में रहो, वहाँ पर मुझे तुम्हारी बार बार समाचार मिलते रहेगा, उसी सहारे से हम जिंदा रहेंगे। वास्तव में महाप्रभु सची माता के जो प्रेम जिस तरह सची माता कर रही थी, तो महाप्रभु ने यहाँ तक कह दिया था कि माँ तुम बोल दो तो मैं सन्यास भी छोड़ दूँ और तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। तब सची माता ने नहीं कहा, तुमने अब सन्यास ले लिया है तो उसका पालन करो, जाओ जगन्नाथपुरी में निवास करो, मेरी इतनी इच्छा है कि मेरे बेटे के बारे में मुझे बार बार पता चलता रहे कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, और हमारे यहाँ से भी जाना, नीलाचल जाना बहुत सहज होगा, वहाँ से भक्त आते रहेंगे तो इससे मुझे थोड़ा सा मुझे सांत्वना मिलती रहेगी, तो बेटा वही रहना। तो चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के लिए निकल गए और रास्ते में वे यमुना आ गए और यमुना में रेमुना आ गए और रेमुना में गोपीनाथ जी का विग्रह को देखा और चैतन्य महाप्रभु ने जो गोपीनाथ के विग्रह को देखा तो खूब आनंद के साथ उन्होंने वहाँ पर नृत्य किया। और वहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है ईश्वरपुरी है, उन्होंने शीर छोरा गोपीनाथ की कथा सुनाई थी, तो वहाँ पर बैठ कर नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद और दामोदर, ये पाँचों की टोली चल रही थी साथ में, 5 लोग साथ में चल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद और दामोदर। तो ये 5 लोग जब रेमुना पहुंच गए तो महाप्रभु ने भागवतम क्लास चालू कर दिया और वहाँ पर उन्हें शीर छोरा गोपीनाथ की कथा सुनाई।
वो कथा सुनने के बाद शीर का जो पान करने के पश्चात वे सब लोग आगे चले गए और वहाँ पर याजापुर में जाते समय चैतन्य महाप्रभु कटक पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने एक साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया और वहाँ पर साक्षी गोपाल जी की कथा उन्होंने नित्यानंद प्रभु के माध्यम से सुन ली। तो सब लोग बैठकर जो वहाँ कथा किए थे वो यहाँ पे कथा सुन रहे थे अभी। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु वहाँ से फिर जगन्नाथपुरी के लिए चले जाते हैं और जब जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं तब क्या होता है अभी हमें पता चला। चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम में आविष्ट होकर वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में चले गए और सीधा जो मेन, जैसे कोई आ जाए बाहर से आ जाए अचानक से मंदिर के अंदर एंट्री मार दे तो आप लोग क्या करोगे, ए भाई रोको उसको। तो क्या हो गया, सब लोग वहाँ पर जो गार्ड इत्यादि सब थे, चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर आए दौड़ते दौड़ते जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए और सीधा अंदर प्रवेश कर गए। और चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को आलिंगन करना चाहते थे और आलिंगन नहीं कर पाए, लेकिन आलिंगन करने से पहले ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव सारा भव तहा के करे दर्शन, परीक्षा मारिते ते हो कैला निवारण। अभी जब अगर अचानक से कोई हमारे मंदिर में आ जाए तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे, आकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आजकल तो मारना पीटना ही हो, तो वही वहाँ पर जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर का जो गार्ड था वो लाठी लेकर पहुँच गया और महाप्रभु को मारने का प्रयास करने वाला था, मारने का मन बना चुका था। और वो जो दरोगा था वो कौन था, वो सार्वम भट्टाचार्य जी का शिष्य था, तो डिवोटी था, मतलब बन जाएगा। प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमेर विकार, देखे ते सारा भौम हैला विस्मित अपार। चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य देखा, अभी पास में सारम भट्टाचार्य जी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य देखा और उनके प्रेम के विकार देखे और ये देख कर वे पूरे विस्मित हो गए कि ऐसा भी कोई महापुरुष है। अभी देखिए सार्व भट्टाचार्य देखा गया तो वो एक मायावादी व्यक्ति थे, एक मायावादी थे, लेकिन जगत गुरु थे और उनको सारे शास्त्रों का भली भांति ज्ञान था। ऐसा नहीं क्योंकि उनको वैष्णव सिद्धांतों का जानकारी नहीं थी, वैष्णव सिद्धांतों का, वैष्णव के जो ग्रंथ है उसका भी उन्हें भली भांति अंदाजा था और वो लोग क्या मानते हैं। तो उन शास्त्रों में महाप्रभु के बारे में, मतलब जो अष्ट साधु विकारों का वर्णन जो किया गया है उसके अनुसार सार्व भट्टाचार्य को जानकारी, जब उन्होंने वो सिम्टम देखे, जब उन्होंने वो देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो देख के विस्मित रह गए कि अरे तो ये तो कोई असाधारण व्यक्ति लगता है। बहुक्षणे चैतन्य नहे भोगेर काल हैल, सार्वभौम मने तभे उपाय चिंतिल। शिष्य पड़ी छा द्वार नीला भया, घरे आनी पवित्र स्थाने रखिला सोयाया। तो बहुत देर तक चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में नहीं आ पाए और उधर जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय हो गया। अभी कोई अचानक से कोई आ गया अल्टर में चला गया और गिर गया वहां पे जगन्नाथ जी के अल्टर में, चलो जगन्नाथ जी को अल्टर ही मान लो, बैठे भाई साहब। तो कोई आ गया अचानक से अल्टर में चला गया और गिर गया और आप 12 बजे का समय हो गया, आपको भोग लगाने का समय है, तब आप कुछ ना कुछ करोगे ना, उसको उठाकर बाजू में रखेंगे। सारा भट्टाचार्य विचार के जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय है, तो मन ही मन एक उपाय विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा इन लोगों सबको ले जाकर चैतन्य महाप्रभु को मैं किसी पवित्र स्थान में जाकर ले जाता हूँ। तो वासुदेव सार्वभौम जी उस समय मंदिर के दक्षिण की ओर वहाँ पे बालू के खंड में मार्कंडेय सरोवर के तट पर वहां पर निवास करते थे और उसको आज उसको गंगा माता मठ के नाम से जाना जाता है, उसी नाम से प्रसिद्ध भी है। तो श्वास प्रश्वास नाही उदर संपन्न स्पदन, देखिया चिंतित हैला भट्टाचार्य रे मन। अभी सार्व भट्टाचार्य को लगा कि ये तो मर तो नहीं गया, ये व्यक्ति जो थे इतने सुंदर है और ये सब अद्भुत विकार उनमें दिख रहे हैं, क्या ये व्यक्ति मर तो नहीं गए। तो वो लेकिन वो देख रहे थे किसी प्रकार से कोई स्पंदन है को न देख कर सारा भट्टाचार्य थोड़े चिंतित हो गए कि ये मर रहे होंगे, बहुत सारे विचार मन में आते हैं।
बीमार होगा क्या होगा, अचानक से जगन्नाथ जी के मंदिर में, क्योंकि प्रथा तो ऐसी है कि जगन्नाथ जी के रथ के नीचे बहुत सारे लोग आके मर जाते थे, अपने अपने आप से आत्मदाह करते थे, तो ऐसे कुछ मन में होता होगा कि ये जीवित है कि नहीं। सूक्ष्म तुला आनी नासा अग्रेते धारिल इसित चलय तुला देखी धैर्य हैल। तब सारंग भट्टाचार्य ने क्या किया, सूक्ष्म रुई श्री चैतन्य महाप्रभु के नाक के आगे रखकर उनकी परीक्षा ली और रुई को हल्का सा हिलता हुआ देखकर वे थोड़े आश्वासित हो गए कि हाँ ये व्यक्ति तो जीवित है, मतलब ये थोड़ी केस डिफरेंट है। तो बसी भट्टाचार्य मने करे ने विचार यही कृष्ण महाप्रेमी ने साथी को विकार। तो जब उन्हें रुई जब उन्होंने नासिका में लगा दी वो हिल पड़ी, तब उन्हें लगा कि जो शास्त्रों ने वर्णन किया गया है सात महाभाव का, ये व्यक्ति तो उन्हीं लक्षण ये सब वही लक्षण प्रकट कर रहा है। तब वहाँ बैठकर सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में विचार आया कि इतनी कृष्ण महाप्रेम के सात्विक विकार तो मैंने पढ़े हैं लेकिन ये साधारण मनुष्य में नहीं होते। तो सुदीप्त सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कर रहे हैं कि सुदीप्त सात्विक यही नाम ये प्रणय नित्य सिद्ध भक्ति से सुदीप्त भाव है। अभी सुदीप्त भाव क्या है ये थोड़ा हमें जानना पड़ेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, परीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे कि ये तो महाभाव का विकार है। देखिए अष्ट सात्विक विकार क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार मतलब स्वेद आना, रोमांचित होना, स्वर भंग मतलब कंठ आरोहित होना, कंप वैवर्ण्य और अश्रु प्रलय। तो इस तरह से आठ अष्ट सात्विक विकार हैं जो जैव धर्म इत्यादि में आते हैं। तो यह अष्ट सात्विक विकारों का गोपन की चेष्टा दो प्रकार की है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि अष्ट सात्विक विकारों का गोपन करने की चेष्टा दो प्रकार की होती है। मतलब जब व्यक्ति हमें ये जानना चाहिए कि एडवांसमेंट कैसे होता है भक्ति में, भगवान के बारे में सुन सुनकर व्यक्ति कृष्ण को समझता है। ठीक है, समाज में ये धारणा होती है कि कोई सर पर आशीर्वाद रख देगा तो प्रेम उदित हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट मार देगा तो हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सर पर हाथ नहीं रखा, उन्होंने केवल दिव्य भागवतामृत का पान करा दिया और उससे महाराज परीक्षित को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई और वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। आपने देखा होगा सुत गोस्वामी पाद ने भी 88,000 ऋषियों पर सर पर हाथ लगना टाइम लग जाता, वो भी नहीं किया उन्होंने कि सर पर हाथ रख देगा करंट आ गया। तो इस तरह से भारत समाज में देखा जाता है। मैं इस्कॉन में आने से पूर्व एक मायावादी संप्रदाय में दीक्षित था, तो वहाँ पर एक अजीब प्रकार की घटनाएं होती थी। मैं वो जो मायावादी गुरु थे उनके एक पुत्र थे, तो उन पुत्रों के बहुत क्लोज सर्कल में मैं पहुँच गया था, मतलब मेरा बहुत एडवांसमेंट हो गया था। और वहाँ पर उस क्लोज रूम के अंदर वो व्यक्ति किसी को टच करता था और वो उनको पता नहीं उनके अंदर क्या हो जाता था, कोई उड़ने लगता था, कोई नाचने लगता था, कोई पागल जैसे बर्ताव करने लगता था, कोई तो उल्टा खड़ा हो जाता था। और ये सब चीज़ें देखकर मुझे लगता था मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है और वो मेरे सर में भी हाथ रख दी, कुछ हुआ ही नहीं, बाकी सब उड़ रहे थे, बाकी सब हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा था, मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा था, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे साथ वाला जो मित्र है वो उनकी भी यही स्थिति थी। तो हम दोनों निराश थे कि ये क्या हो गया। तो इस तरह से ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है, भक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सब ढोंग चल रहा था, तो वैसे ही हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति जो भगवान का प्रेम है वो कैसे प्राप्त होगा, भगवान के साथ संबंध कैसे होगा। तो भगवान के बारे में बारंबार 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 सुनना पड़ता है। संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में हम लोग सारी भागवत के भगवान की विविध प्रकार के जो लीला है उसको सुन सकते हैं,
सुनना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसको जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, धीरे धीरे क्या होगा, उस भक्त की आसक्ति एक विशेष प्रकार के भगवान के रूप में, भगवान के जो भगवान का कोई अवतार है उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। जैसे किसी भक्त का कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति, या किसी का कृष्ण के प्रति हो जाएगा, या किसी का जगन्नाथ के प्रति हो जाएगा। तो व्यक्ति धीरे धीरे उन्हीं के बारे में सुनना पसंद करेगा, फिर वो अन्य अवतारों की लीलाओं को सुनना पसंद नहीं करेगा, केवल कृष्ण लीला या केवल महाप्रभु की लीला या केवल जगन्नाथ जी की लीला को सुनना पसंद करेगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वह फिर उसकी और भगवान के बारे में श्रवण करते करते धीरे धीरे उसका मन भगवान के किसी एक रस के अंदर मिल जाए कि मेरा वात्सल्य से आसक्त हो जाएगा, या दास्य से, या माधुर्य से। तो इस तरह से उसकी आसक्ति एक विशेष प्रकार के रस में हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर केवल वही उसी प्रकार के रस की कथाओं को सुनना पसंद करेगा, अन्य का सम्मान करेगा लेकिन उसकी रुचि केवल उसी में होगी। और ऐसे करते धीरे धीरे उसमें भी कई प्रकार के लेवल होते हैं, तो व्यक्ति ऐसे करके धीरे धीरे नेचुरली भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, रिलेशनशिप बनता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी श्रवण की ही महिमा है। तो अष्ट साधक विकार का गोपन करने की चेष्टा दो प्रकार की है, एक धुमायिता और दूसरी ज्वलिता। अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अथवा दो भाव, जैसे आठ प्रकार के भाव है, तो एक या दो भाव सहज एक भक्त के जब आते हैं, प्रकट होते हैं, थोड़ी मात्रा में प्रकाशित होते हैं, तो उसको छुपाना आसान हो जाता है, तो उसको धुमायिता कहते हैं। लेकिन जब एक ही समय में दो या तीन भाव जब प्रकट होते हैं, अश्रु भी आते हैं, कंप भी होता है, ऐसी दो तीन प्रकार के जब सात्विक भाव एक साथ प्रकट होते हैं तथा बहुत कष्ट से उन्हें छिपाना पड़ता है, और ये छिपाना संभव हो तो हो जाता है, बड़ी मुश्किल से सब हो पाता है, तो उसको ज्वलिता कहते हैं। और तीन या चार प्रकार के जो भाव है, जो आठ में से जब तीन या चार प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं और एक ही समय में उदित हो जाते हैं, और उसे जो छिपाने की चेष्टा विफल हो जाती है, तब उसे कहते हैं दीप्ता। मतलब वो जो भक्त होता है वो अपने भावों को संभाल नहीं पाता, प्रकट हो जाते हैं। और एक ही समय में पांच या सभी को जब पांच या अधिक से या परिपूर्ण तरीके से जो आठों के आठों भी प्रकट हो जाते हैं, उसे कहते हैं उदीप्ता। और उदीप्ता कैसा है कि उदीप्त भाव आठों प्रकार के भाव जब एक साथ प्रकट होते हैं, और तो भी वो भी करोड़ों गुना बढ़ते जाते हैं, वो जो प्रेम है भगवान के लिए वो बढ़ते जाता है, आठों गुना, आठों के आठों भी बढ़ते जाते हैं, तो वो जो दशा है वो सुदीप्त कहा जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य क्या देख रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे थे कि अधिरूढ़ महाभाव जार तारे विकार मनुष्य रे देहे देखे बड़ा चमत्कार, कि इस तरह से जो अरूढ़ भाव है, अधिरूढ़ महाभाव है, ये सब जो महाभाव है केवल भगवान में ही प्रकट होते हैं, या भगवान के एकदम नित्य परिकर है, उनमें राधा रानी इत्यादि में प्रकट होते हैं। तो ये तो साधारण, मतलब एक साधारण मनुष्य तो है नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कर, ठीक है महाभागवत होंगे, ये मन में भगवान तो राधा रानी भगवान तो नहीं हो सकते। देखो वैष्णव सिद्धांत कितना सारा भट्टाचार्य जानते थे। हमारा कैसा है, वैष्णव सिद्धांत हमें जानते हैं तो हमें और भी सिद्धांत बाहर के जो जानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो किसी ने चैलेंज कर दिया तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम लोग उनके उस विषय का, मायावाद का खंडन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन मायावाद क्या है ये भी हमें जानना चाहिए, नहीं तो कोई एक्चुअल में मायावादी आ जाएगा तो अपना ही खंडन हो जाएगा। दूसरी बात हमें जाननी चाहिए कि खंडन कम करना चाहिए, भगवान की कीर्ति और यश को ज़्यादा से ज़्यादा गाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि खंडन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की कीर्ति और भगवान के यश में इतना सामर्थ्य है कि उसको इतना सामर्थ्य कि जब संसार के बद्ध जीव उस भगवान की कीर्ति और यश को सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम भगवान में हो जाता है। और हम लोग क्या, हमारा प्रचार का स्टाइल थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि अधिक से अधिक बल भगवान की कीर्ति और यश को गाने में लगाना चाहिए।
अरे संसार के लोगों को भगवान के बारे में पता ही नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे विदेश में ट्रैवल करके देखा हूँ, भक्त लोग पूछते हैं कि हम लोग प्रीच कैसे करें, उनको भक्त कैसे बनाएं। तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग प्रचार कैसे करते हो, बोला हम लोग योगा के नाम पे लोगों को बुलाते हैं, आयुर्वेद के नाम पे लोगों को बुलाते हैं, और जब पुस्तक वितरण करते तब क्या कहते हो, बोले पुस्तक वितरण करते तो बोलते हैं योगा की पुस्तक है। अरे भैया प्रभुपाद जी ने योगा की कोई किताब नहीं लिखी है, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ी हुई भगवत भक्ति के विषय में ग्रंथ लिखे हुए हैं। देखिए कोई व्यक्ति यदि भगवान के बारे में जानना चाहता है तो उसको बताइए। हमारी धारणा क्या होती है, अरे भगवान को क्या समझेगा, लेकिन भाई जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक वो समझेगा कैसे। इसलिए जब ग्रंथ वितरण करने जाते हैं तो स्पष्ट बता देना चाहिए भगवान है, ये भगवान के उपदेश है, ये अगर कोई ग्रंथ है तो उसको स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ में क्या है उसकी बात करनी चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति आपसे ग्रंथ ले लेगा, घर चला जाएगा, देखेगा अरे योगा की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो इसमें तो कृष्ण के बारे में लिखा है, भगवद गीता के बारे में लिखी गई बात है। तो इस तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए बात की भगवान की कीर्ति और यश को बता देना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान की ही खोज में है, हर एक व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना चाहता है, भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, तो हमें उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। विचार कीजिए यदि हम लोग अगर शुरुआत में जब हम लोग मंदिर में जुड़े थे, भक्तों से जुड़े थे, उस समय किसी ने हमें योगा आयुर्वेद ये सब इधर उधर की बातें बताई होती तो शायद हम लोग जुड़ते नहीं। एक बहुत बड़े मंदिर है विदेश में, उन्होंने कहा कि हम लोग 1000 लोगों को बुलाते हैं, 1000 लोग साल भर में हमारे पास आते हैं, एक भी भक्त नहीं बन पाता। तो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि भक्ति का प्रचार करने का जो प्रोसेस है वही आप लोगों ने खराब कर दिया है। तो भक्ति प्रचार कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जैसा प्रचार किया वैसे ही प्रचार करना चाहिए। हमारे पास तो आज इस्कॉन रूपी प्लेटफॉर्म है प्रचार करने के लिए। जब प्रभुपाद जी वहां पर गए तो कुछ नहीं था, न लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कुछ पता नहीं था। वहां पर उन्होंने भागवत धर्म का झंडा गाड़ दिया, और हम लोग यहां पर डरते रहते कि भगवान के बारे में कैसे बताएंगे, लोग समझेंगे नहीं समझेंगे। तो इस धारणा से निकलना चाहिए, पहले तो हमें अटूट विश्वास होना चाहिए, हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे तब भगवान के बारे में समझेंगे, तब बता पाएंगे। हमारी जीवन में शास्त्राध्ययन नहीं है, हमारे जीवन में भागवत हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोगों को क्या बता पाएंगे। हमारा ही कन्विक्शन 20% है तो हम क्या लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, क्या भक्त बना पाएंगे। तो भगवान के बारे में सुनना, अध्ययन करना और तब बोलना, ये विधि है। हम एग्जाम के लिए हमने बहुत सारी डिग्रियां जीवन में प्राप्त कर ली होंगी, तो कभी ऐसा हुआ कि बिना पढ़ाई की एग्जाम देने गए हैं? नहीं। तो जब शास्त्र अध्ययन किए बिना प्रचार कैसे करने उतरते हैं हम लोग। तो शास्त्र अध्ययन रोज का नियम होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, हर एक व्यक्ति को शास्त्र अध्ययन करना है, उसका खुद का अपना पोषण करना चाहिए। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, अपनी आचरण करे जीवरे सिखाए, अपने आचरण में करलाओ। पहले भागवत को पढ़ना चाहिए, दो दो तीन तीन चार चार घंटे पढ़ना चाहिए। आप सब वैष्णवगण है, मैं कुछ बोल जाऊँ तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन भागवत को अपने जीवन में लाना चाहिए। जब तक अगर भागवत बनना है तो भागवत के संपर्क में आना पड़ेगा या श्रीमद् भागवत के संपर्क में आना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत और भागवत में कोई अंतर नहीं है, व्यक्ति भागवत और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है। अगर हमारा उद्धार करना है, अगर हमें भी भगवान का प्रेम चाहिए, तो हमें या तो महाभागवत के संपर्क में आना चाहिए या श्रीमद् भागवत के संपर्क में आना चाहिए। दोनों केपेबल है कि उस व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। देखिए भागवत के साथ भी संबंध होना चाहिए। जब भागवत पढ़ेंगे, भागवत का आश्रय ग्रहण करेंगे, कैसे आश्रय ग्रहण करेंगे, सुनकर पढ़कर बोलकर, तो भागवत के साथ संबंध हो जाता है। भागवत भी अपने आप को प्रकाशित करता है, भागवत आपसे बात भी करता है। किस माध्यम से बात करता है, अपने अर्थों को खोलकर। जब तक हम लोग भागवत को मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, पहले वो तो सुनना चाहिए, साधुओं के मुख से सुनना चाहिए, फिर अध्ययन करना चाहिए उनके मार्गदर्शन में, तब धीरे धीरे भागवत अपने अर्थों को खोलता है।
नहीं तो ये मैकेनिकली पढ़ के कुछ नहीं होगा। भागवत शुड रेसिप्रोकेट विद अस। कैसे आएगा रेसिप्रोकेशन? जब उसको अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। 15 मिनट आधे घंटे से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आजकल ब्रह्मचर्य को पूछता कितना अध्ययन करता है, बोला टाइम ही नहीं है। तो किस चीज के लिए जीवन दिए हो? सॉरी टू से, जीवन किस चीज के लिए दिए हो? शास्त्र अध्ययन का, भगवान के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, उसी के लिए जीवन दिए हो? फिर बाहर वाले सही है, फिर इससे अच्छे हो तो ज्यादा पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में सारी सेवाओं को मैनेज करते हुए शास्त्र अध्ययन में फोकस कर, थोड़ा नींद कम सोना चाहिए, क्या समस्या है? कम सोइए, 8 घंटे के बदले 7 घंटे सोइए, 7 घंटे 6 घंटे सोइए, लेकिन 2 घंटा कम से कम भागवत को अध्ययन करना चाहिए। तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। फिर बुढ़ापा में बोला, अरे समय नहीं मिला। फिर जब इन आँखों से देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, तब क्या खाक प्रचार करेंगे? और बिना अध्ययन किए क्या प्रचार करेंगे हम लोग? हम लोग खुद नरिश नहीं है, दूसरों को क्या नरिश कर पाएंगे? तो इसलिए पहले अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तब चैतन्य महाप्रभु की ये दशा को देखकर, मूर्छित हैल चेतन ना है शरीरे, सारा भम लया गेलर अपनारा घरे। तो सॉरी, एक दो पैर भूल गया। एत चिंती भट्टाचार्य आचन बसिया नित्यानंद आदि सिंह द्वारे उतरी लाया। सारा भट्टाचार्य जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, वहां पर चैतन्य महाप्रभु को खोजते खोजते वहां पर नित्यानंद प्रभु वहां पर आ गए। और नित्यानंद प्रभु वहां पर जब आ गए, जगन्नाथ जी के सिंहधार पहुंच गए, तो वहां पर सब लोगों की बातें सुनी। तहा सुनी लोके कहे अन्यन्य बात, एक सन्यासी आस देखी जगन्नाथ। तो नित्यानंद प्रभु और मुकुंद दामोदर इत्यासी ने सबसे बात क्या सुनी कि एक सन्यासी जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए थे, वहां पर जगन्नाथ देव के दर्शन करके मूर्छित हो गए, जिससे उनके शरीर में चेतना तक नहीं रही और वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के अपने घर ले गए। सुनी सबे जानिला महाप्रभुर कार्य, हेन काले आयला तहा गोपीनाथाचार्य। देखिए वहां पर लोगों की बात सुनकर, चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को देखकर वहां पर गोपीनाथ आचार्य वहां पर आ गए। और गोपीनाथ आचार्य नदिया के रहने वाले थे और महेश्वर विशारद मतलब सार्वभौम जी के जमाई थे तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के तत्व को भली भांति जानते थे। अभी कैसा है कि जो नीलांबर चक्रवर्ती थे, नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठी महेश्वर विशारद, ये भी विद्यानगर में निवास करते थे। तो उनके 2 पुत्र थे, मधुसूदन वचस्पति और वासुदेव सार्वभौम। तो और एवं जमाता, जो जमाई थे, तो गोपीनाथ आचार्य, इस तरह से वे लोग रहा करते थे। तो मुकुंद, वहां पर मुकुंद ने जब गोपीनाथ आचार्य को देखा, तो मुकुंद सहित पूर्वे आच्छे परिचय, तो मुकुंद जी का वहां पे गोपीनाथ आचार्य से पहले से परिचय था। मुकुंद देखिया तार हैला विस्मय, मुकुंद जी ने जब गोपीनाथ आचार्य को देखा तो कहा वाह, गोपीनाथ आचार्य मिल गए। वास्तव में उनका स्मरण कर रहे थे, क्योंकि आप किसी अनजान जगह पर जाते हो, मान लीजिए कि आपका वृंदावन में कोई मित्र है और आप संकट में पड़ जाए, वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, परिवार वालों को कुछ, कोई परिवार में बीमार पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर जो जान पहचान वाला व्यक्ति है उसको संपर्क करोगे और पूछोगे, अरे डॉक्टर कहाँ है? अरे मेरा बेटा बीमार है, ये बीमार है, ये भक्त बीमार पड़ गया, तो क्या लोकल व्यक्ति को फ़ोन करके पूछोगे कि भाई कौन है वो व्यक्ति, कहाँ है व्यक्ति, डॉक्टर किधर है? तो मुकुंद ताहरे देखी कहले नमस्कार। तो मुकुंद ऐसा विचार कर रहे थे कि महाप्रभु को कहाँ खोजेंगे, सारा भट्टाचार्य घर कहाँ है, अगर गोपीनाथ आचार्य जी मिल जाते तो अच्छा हो जाता। जैसे ही विचार कर रहे थे, गोपीनाथ आचार्य सामने आ गए और वहाँ पर मुकुंद ताहरे के देखी कहले नमस्कार, तेहो आलंगिया पूछे प्रभु समाचार। और जैसे ही गोपीनाथ आचार्य ने मुकुंद को देखा तो उन्होंने उनको गले लगा लिया और मुकुंद कहे प्रभु यहाँ हैला आगमन, कि चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ आ गए हैं और आमी सब आसी आछी महाप्रभु सने, और हम लोग सब महाप्रभु के साथ आ रहे हैं, आए हुए हैं यहाँ पे। तो नित्यानंद गोसाई के फिर क्या हुआ कि जब नित्यानंद गोसाई के आचार्य कहले नमस्कार,
नित्यानंद महाप्रभु को देखकर, नित्यानंद प्रभु विशेष विशेष थे, चाह वो उनके पीछे महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु है, उनको देखकर स्वाभाविक रूप से सारव मट्टाचार्य तक प्रणाम कर दिए थे। तो इन्होंने प्रणाम कर दिया और सभे मेली पूछे प्रभु वार्ता बार बार, और मुकुंद गए मुकुंद ने कहा कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और नीलाचल आ चुके हैं और हम लोग सब उनके बारे में उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को खोज कर रहे हैं। तब आमा सभा छाड़ी आगे गेला दर्शन है, और हम सबको छोड़कर महाप्रभु तो आगे चले गए, और कुछ हो गया इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने इनका दंड होयला तीन खंड, हाँ त्रिदंड तोड़ दिया, इनको गुस्सा आया, ये दौड़ते हुए आगे चल पड़े, कहे कि तुम लोग के साथ नहीं जाना है, या तो तुम लोग आगे जाओ या फिर मैं आगे जाता हूँ, एक डिसाइड करो। तो इन सब ने बोला कि आप आगे चले जाइए, क्योंकि महाप्रभु आगे रहेंगे तो पीछे से इन लोग आएंगे तो पता तो चलेगा कहाँ गिरे हैं, कहाँ पड़े हैं, तो उठाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब महाप्रभु ने ऑप्शन दिया उनको कि आप लोगों के साथ तो मैं नहीं जाने वाला, मेरा त्रिदंड तोड़ दिया, मेरा सन्यासी का धर्म था वो दंड तोड़ दिया तुमने, तब नित्यानंद का ठीक है आप आगे जाइए, हम लोग से पीछे पीछे आएंगे। तो जब अकेले व्यक्ति जाता है तो गाड़ी भी स्पीड में चलाता है, जब अकेला व्यक्ति परिवार के साथ हो तो गाड़ी आराम चलाएगा, लेकिन वही व्यक्ति अकेला मिल जाए, उसको हाईवे मिल जाए तो लंबा दौड़ाएगा वो। तो महाप्रभु देखा अभी तो कोई बाधा ही नहीं है, ये सबसे बड़े बाधा तो ये चार लोग थे, ये मत करो वो मत करो, ये मत करो ये मत करो, ये खाओ वो खाओ, लेकिन महाप्रभु अभी हटाओ सब कुछ, अब मेरे और जगन्नाथ के विषय कोई नहीं। महाप्रभु दौड़ पड़े अपने और प्रेमावेश में आकर महाप्रभु एकदम दौड़ पड़े, और अन्योन्य लोकेर मुखे जे कथा सुनील सारा भौम ग्रह प्रभु अनुमान कैल, और सब लोग बता रहे हैं कि हम लोग का अनुमान हो रहा है कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे गए हैं। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमी अचेतन सारा भौम लया गेला आपन भवन, और सारा भवन मैंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनकी चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को देखा है और उनको देखकर उनको अपने घर लेकर गए हैं। तो उसके पश्चात फिर वो कहते हैं कि चले सबे जाई सारा भौमे ने घरे प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि चलो सब लोग, मैं आप लोगों को सार्वभौम भट्टाचार्य घर लेकर जाता हूँ, और वहाँ पर मैं भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और आप मैं आपको मिला भी देता हूँ। सुश्री मुकुंद दत्त लेकर गए, ये तो सुनी गोपीनाथ सबारे लाइया सारा भौम घरे गेला हर्षित गया। अभी उनके लिए गोपीनाथ आचार्य जी के लिए तो घर उनका रोज का था, रोज का आना जाना रहता था, तो कोई किसी और के घर में तो लेके जाना नहीं था, तो अपने ही घर में लेके जाना था। तो सारा भौम स्थाने गिया प्रभु के देखी ल, प्रभु देखी आचार्य रे दुख हर्षिल। अब गोपीनाथ आचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु की दशा को देखा कि चैतन्य महाप्रभु बेहोश अवस्था में है, और तब सर्वप्रथम यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो कि एकदम वरिष्ठ है लेकिन विचित्र स्थिति में है तो दुख हो जाता है, लेकिन आचार्य ने जब महाप्रभु के दर्शन किए तो उनका थोड़ा हर्ष भी हुआ, आनंद भी हुआ उनको कि चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि चलो महाप्रभु यहाँ पर आ गए हैं और कुछ समय तक यहाँ पर रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, महाप्रभु के दर्शन करते हुए जीवन बीत जाएगा। तो सारा भाव में जाना या सभा नील अभ्यंतरे नित्यानंद गोसाई रे तेहो कैले नमस्कारे, सभा सहित यथा योग्य करिला मिलन प्रभु देखे सबार हैल हर्षित मन। तो सारा भट्टाचार्य ने जब देखा कि चारों लोग आए हुए हैं गोपीनाथ आचार्य के साथ, तो नित्यानंद को देखकर सारा भट्टाचार्य ने उनको नमस्कार किया, और सारा भट्टाचार्य ने सभी भक्तों के साथ यथा योग्य व्यवहार किया, उनको भेंट दिया, सब कुछ किया, और उनका जो भी मान सम्मान करना चाहिए तो उन सबका किया, अतिथि देवो भव। तो सार्वभौम पठाइले सभा दर्शन करिते चंदनेश्वर निज पुत्र दिल सबर सबार साथे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने पुत्र चंदनेश्वर को कहा कि इन सबको ले जाओ और जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ। देखिए जगन्नाथ जी के वो लोग दरवाजे तक पहुंच गए थे लेकिन वो लोग अंदर नहीं गए, क्योंकि जब वो महाप्रभु के बारे में सुना तो पहले बोला पहले महाप्रभु के पास चलते हैं, बाद में जगन्नाथ के दर्शन कर लेंगे। तो जैसे ही सारा भट्टाचार्य ने जाना कि इन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं,
तब उन्होंने तुरंत चंदनेश्वर को भेजकर वहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने सबको भेज दिया। और उच्च करी उसके बाद क्या हुआ कि जगन्नाथ देखी, जब ये लोग सब चले गए नित्यानंद रूप इत्यादि, तो जगन्नाथ जी को देखकर नित्यानंद रूप भाविष्ट हो गए, और भाविष्ट होकर वो भी गिरने ही वाले थे चैतन्य महाप्रभु की जैसे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे। इस विषय को हमें जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने 18 साल क्यों बिताए, और ऐसा क्या हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्या हो गया कि श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनकर आना पड़ा। ये बहुत गंभीर विषय है वास्तव में, और इन कम सत्रों में इसको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह हमें जानना चाहिए कि भगवान की जो 3 अधूरी इच्छाएं थी, वो 3 अधूरी इच्छाएं पूरी कहाँ हुई? वो 3 अधूरी इच्छाएं पूरी हुई जगन्नाथपुरी में। हर एक अवतार में एक एक इच्छाएं अधूरी रहते आ रही है। जैसे नरसिंह देव ने जब प्रह्लाद को देखते थे, तो प्रह्लाद को देखकर ऐसा लगता है प्रह्लाद कितना रस आस्वादन करता है भक्ति में। तो जब नरसिंह देव विचार करते थे कि किस प्रह्लाद जो रस का आस्वादन करता है मुझे देखकर, जो उसको आनंद प्राप्त होता है, वो मैं कैसे आस्वादन करूं, तब प्रह्लाद को देखकर नरसिंह देव विचार करते थे कि इसका माता पिता मैं हूँ, मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि ये मुझे अपना पिता मानता है, तो मुझे भी अगर ये वात्सल्य रस का अनुभव करना है तो मैं कैसे करूं। तो नरसिंह देव ने अपने आप पर विचार किया कि मेरे माता पिता कौन है, बोला खंबा, तो खंबे के साथ में क्या मेरा रसास्वादन होगा, खंबा मेरा विषय है और मैं आश्रय अगर बनूं तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान नरसिंह देव ने विचार किया कि जब भी आगे अवतार लूंगा माता पिता को स्वीकार करके अवतार लूंगा। तो नरसिंह देव के अवतार में जो उनकी अधूरी इच्छा थी वो आने वाले अवतारों में पूरी हुई। सब जगह अवतारों में वो माता पिता को ग्रहण करके आए। जब रामलीला में जब अवतार हुआ, रामलीला में भी कुछ अधूरी इच्छाएं थी। रामलीला में क्या अधूरी इच्छाएं थी? जब उनका जो संबंध था श्री राम का, जो विभीषण इत्यादि के साथ संबंध था मित्र का, तो वो संबंध कैसे था? एकदम ऑन डेवरेंस के साथ था। विभीषण श्री राम जी को मित्र मानते थे लेकिन ऐसे प्रणाम करते थे। राम जी को कैसी मित्रता चाहिए थी? कोई गले में आके हाथ डाले, उस टाइप की उनको मित्रता चाहिए थी। लेकिन ये सब विभीषण इत्यादि सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर उनकी मित्रता निभाते थे। तो राम जी के हृदय में इच्छा थी कि बिना ऑन डेवरेंस के, बिना कोई नम्रता के साथ मित्रता होनी चाहिए, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। आपको कोई मित्र आपके पास आ जाए और आपको दूर से प्रणाम करें, आपके स्कूल का फ्रेंड है, आपको देखे, अरे आप भक्त रूप भक्त में है, तिलक लगाए हुए है, कंठी पहने हुए है, धोती कुर्ता में है, और आपके आपको प्रणाम करें कि प्रणाम, और उसके साथ आपने खूब समय बिताया है, तो कैसा लगेगा आपको? तो बोलेगा अरे सब ड्रामा छोड़, चुपचाप आके गले मिल। लेकिन वहाँ पर श्री राम जी के जो भक्त थे, मतलब मित्र थे, वो इस तरह से मित्रता नहीं थी उनकी। एक और इच्छा थी परकीय भाव आस्वादन करने की इच्छा थी। सीता जी के साथ तो स्वकीय भाव था, एक पत्नी व्रत तो ले लिया था, लेकिन उसके साथ भी स्वकीय रसही था, तो परकीय रस का आस्वादन करना था। तो राम जी के अवतार में ये दोनों लीलाएं शेष, दोनों इच्छाएं शेष रह गई, वो पूरी हुई कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में भगवान को कैसे मित्र मिले? ऐसे मित्र मिले कि उन पर भी भारी पड़ गए थे। एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि सारे जो ग्वाल बाल सब खेल रहे थे भगवान के साथ, और बलराम जी की टीम थी और कृष्ण की टीम थी, तो जो भी टीम हार जाती थी उसको दूसरी वाली टीम को अपने सर पे उठा के ले, कंधे पे बिठा के लेके जाना था। तो भगवान की टीम हार गई, बलराम की टीम जीत गई, तो शर्त के अनुसार तो कृष्ण को गधा बनना था। तो भगवान बोले मैं तो गधा नहीं बनूंगा, नंद महाराज का पुत्र हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो सबने बोला ये देखो इसका ईगो देखो, इसका राजा का पुत्र है, इसका ईगो है। बोले ये ऐसा खेल में नहीं चलता, ये सब खेल में सब सम रहता है। अरे बोला मैं नहीं गधा बनूंगा। तो वो भगवान गए और बोला मैं नहीं खेलूंगा। तो सबने मिलकर भगवान को निकाल दिया, बोले जाओ जा निकल यहाँ से, और जब तेरे
जरा जब बुद्धि जरा ठीक हो जाएगा तब आके खेलना। तो सबने निकाल दिया, भगवान जाके अब रो रहे थे। अरे जिसके पीछे इस दुनिया भर के जो योगी लोग हैं वो पीछे पड़े रहते हैं और इनके भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने का प्रयास करते रहते हैं, वो भगवान जिसका जन्म जब होता है उसका वेलकम करने के लिए सारे देवता लोग वहाँ पर आते हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि सब लोग आते हैं, वो भगवान। ऐसे भगवान के पीछे माँ यशोदा लाठी लेकर दौड़ती है। ब्रज की एक महिमा ऐसी है कि ब्रज में भगवान के भगवत्ता की कोई कीमत नहीं है। ब्रज की क्या महिमा है? ब्रज में ये जो भगवान है इनकी ब्रज में कोई कीमत नहीं है, इनके भगवत्ता की। ब्रज में लोग इनको अपना मित्र मानेंगे, सच्चा मित्र मानेंगे, इनको अपना वास्तविक पुत्र मानेंगे, इनको अपना वास्तविक पति मानेंगे, लेकिन भगवान है ये भावना कभी नहीं आएगी। भगवान चाहे कालिया दमन लीला कर दे, ब्रह्मा जी आके दंडवत कर दे, इंद्र आके प्रणाम कर दे, सब कुछ हो जाए उनके सामने, फिर भी ये भावना नहीं आती कि भगवान है। ये तो नंद बाबा का लड़का है, क्या है इसमें। धेनु का सुर अभी होता क्या है, भगवान भी इसको प्रेरणा देते, इसको इनकरेज करते हैं कि तुम ही आमी सम, ये जानो कि तुम हम सब सम है। कैसे? धेनु का सुर का जब वध कर रहे थे भगवान और दाऊ और भगवान जी वध कर रहे थे तो गधे को घुमा घुमा कर फेंक रहे थे। इनकी काम मन में कामना हो गई किनके, भगवान के मित्रों के मन में, कि हम भी ये खेल खेल सकते हैं क्या? तो भगवान ने बोला एकदम खेल सकते हैं, जब वो गधे जब आएंगे उनका पैर पकड़ लेना, घुमा देना, खेलना। तो इन सब ने बोला अच्छा ये तो बढ़िया खेल है। तो बहुत सारे गधे थे वहाँ पर, जिन्हों का सुर तो मरने के बाद बहुत सारे गधे थे, वे सब आए और ये एक एक ग्वाल बाल एक एक गधे को उठा उठा के घुमा घुमा के पटक रहा है। तो सबको लग रहा है अरे जो कृष्ण कर रहे हो हम भी तो कर रहे हैं, कौन सा ऐसा डिफरेंस है दोनों में, सेम ही तो है हम लोग। तो ये भावना होती है। ब्रह्मा जी आकर प्रणाम कर दिए, चतुर्मुखी ब्रह्मा को प्रणाम कर दिए। तो ये यहाँ पर चर्चा चल रही है, ब्रह्मा जी का दिमाग खराब है क्या? चार चार मुख दिए हैं, इसका माथा खराब हो गया क्या? क्या हो गया? अरे देखना कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, कृष्ण को क्यों प्रणाम करते हैं वो? तो ब्रह्मा है, देवता है, भगवान को प्रणाम, इनको भगवान को प्रणाम कर, नारायण को प्रणाम करे, इसको क्यों प्रणाम करते हैं? इंद्र को देखा, इंद्र भी एकदम दंडवत मार दिया। तो ये चर्चा हो गई, इंद्र क्यों दंडवत कर रहा है कृष्ण को? जब खबर आती थी घर पे, जब चर्चा होके आती थी कि माता जब सुनती थी कि आज कृष्ण ने इसका वध कर दिया उसका वध कर दिया, तो यशोदा माँ को एकदम ऐसा लगता था क्या है? ये बच्चों की कहानियाँ लगती थी उसको। छोटे बच्चे बोलते नहीं है आप, छोटे बच्चे के पास अगर कोई कहानी उसको बनानी हो तो खूब बोलेगा वो, मेरा बेटा भरत है ना, खूब मतलब खूब छोड़ेगा, मतलब समझ रहे ना आप लोग। उसको एक विषय दिया जाए वो 10 पेजेस की कमेंट्री बता देगा उस पर, खूब बोलते ही रहेगा। तो माँ यशोदा को लगता था, जो वात्सल्य में जो गोपी उनको लगता था ये सब ऐसे ही है। क्यों ऐसा क्यों लगता था? अरे बिल्ली से डर कर तो मेरी गोदी में आ जाता है, बोले अरे शेरनी आ गई माँ, शेरनी आ गई, तो बिल्ली से डर कर मेरी गोदी में आकर डर जाता है, छुप जाता है, ये क्या असुरों का वध करेगा? तो इस तरह से जो भावना होती थी, तो ये सब ब्रज में भगवान के भगवत्ता की कोई कीमत नहीं थी, ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण की भी कुछ अधूरी इच्छाएं थी, वो जब राधा रानी को देखते थे, मैं इसको 2 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, जब राधा रानी को वो जब देखते थे, विशेषकर सारे गोपियों को देखते थे और राधा रानी को जब विशेष करके देखते थे, तो भगवान विचार करते थे राधा रानी मेरे सौंदर्य को देखकर एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव करती है, राधा रानी मुझसे प्रेम करके एक विशेष प्रकार का प्रेम अनुभव करती है, तो मेरा सौंदर्य देख के जो उसको सुख मिलता है, मेरी भक्ति करके जो उसको सुख मिलता है, वो सुख मुझे कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है ठीक है,
लेकिन इनकी भी कुछ अधूरे इच्छाएं थी जो कृष्ण लीला में भी, कृष्ण अवतार में भी पूरी नहीं हो पाई। तब भगवान को फिर अपनी उस अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अभी राधा रानी के भावों को समझना है। राधा रानी कौन है? राधा रानी क्या है? प्रेम के आश्रय है और श्री कृष्ण प्रेम के विषय है। लेकिन जब विषय को आश्रय को समझना है, जब कृष्ण को राधा रानी के भावों को समझना है, किसी भक्त के भाव को समझना है, तो उसको भक्त के भाव में आना पड़ेगा। टीचर टीचर है, जब तक स्टूडेंट नहीं बन जाता तब तक क्या खाक सीखेगा। अगर टीचर को नया विषय को सीखना है तो वो किसी दूसरे कॉलेज में जाके, हम किसी कोई बीए का टीचर, कोई बीए है जिसने बीए कर लिया है वो पढ़ा रहा है, लेकिन उसको एमए करना है तो उसको खुद को भी एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर उसी एमए वाले को पीएचडी करनी है तो उसको अलग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो भगवान को यदि राधा रानी के भाव का आस्वादन करना है तो भगवान को पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। तो सबसे टॉप मोस्ट भक्त कौन थी? राधा रानी थी। और भगवान को राधा रानी के भाव का आस्वादन करना था, इसलिए उनके भाव को, उनकी कांति को चुरा कर भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और वो उसकी जो पूर्णता है, उसका जो पूर्णता है, जो इच्छा, अधूरी इच्छा थी ना तीन, वो पूरी हुई जगन्नाथपुरी में। जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जब भगवान जगन्नाथ को देखते थे, तब उनको वो आनंद का आस्वादन होता था जो राधा रानी उनको देखकर करती थी। ठीक है, तो ये संक्षिप्त में आज यही रोकते हैं। हरे कृष्ण। शाम के सत्र में आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है। जी, पहली बात तो ये जानना चाहिए कि मायावाद क्या है। मायावाद मतलब जो भगवान के स्वरूप को माया माने, भगवान के रूप को बोले आपको आपके हमारे जैसे ही है, तो उसको मायावाद कहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कई सारे शास्त्र लिखे हैं, तो जिससे उस शास्त्र के आधार पर वे सब जगह डंका बजाते रहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने किया, तो शंकराचार्य जी ने भी क्यों किया ये भी हमें जानना चाहिए। शंकराचार्य कौन है? साक्षात शंकर है। जब हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा ये अजीब बात लगती है कि शंकराचार्य यदि साक्षात शंकर है, जो वैष्णवाना में था, शंभो है, तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर दी? पाखंड मत का प्रचार क्यों किया? जब शंकराचार्य प्रकट हुए थे, वो विशेष कारण से प्रकट हुए थे, भगवत इच्छा से शंकराचार्य प्रकट हुए थे, क्योंकि उस समय वेदों का तिरस्कार किया जा रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था और वेदों का तिरस्कार किया जा रहा था, सब लोग अहिंसावादी हो गए थे, शास्त्रों को जब तोड़ मरोड़ के रख दिया था, मतलब शास्त्रों को लिटरली रिजेक्ट करके छोड़ दिया था, और जो भगवान बुद्ध बोलते थे वही, उसी का पालन होता था। तो ये काफी समय तक चला, बुद्धिज्म बहुत जगह फैल गया, शून्यवाद। तब शंकराचार्य, जब साक्षात भगवान शंकराचार्य बनकर आए और उन्होंने ये जो वेदों की स्थापना कर दी दोबारा, खैर उन्होंने अपना अपना मत लिखा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके, अगर निजी अगर राइटिंग्स को देखा जाएगा, व्यक्तिगत रूप से भजे गोविंद ये उन्हीं का है, और जगन्नाथ अष्टकम भी उन्हीं को क्रेडिटेड है। तो उसमें तो देखा जाता है कि उनका प्रचार करने के लिए कुछ और था, लेकिन उनका अंतरंग जो अपना निजी जो खुद की जो साधना भजन था, वो तो भगवान की भक्ति ही करते थे। लेकिन उस समय की काल की जो आवश्यकता थी, उसी कारण से वे लोग शंकराचार्य जी ने उस समय प्रचार किया मायावाद का, और उसी का फल है कि आज जो वैष्णव समाज है, जो वैष्णव संप्रदाय है, रामानुजाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, आज उन्हीं की वजह से ये सब, उनकी जो शंकराचार्य जी की कृपा से
जो उन्होंने एक बेस बनाकर दे दिया वैष्णव लोगों को कि आप बस अभी इनको कन्वर्ट करके भगवान के स्वरूप में लगा दीजिए, भगवान की लीला में लगा दीजिए। तो ये वास्तव में वैष्णव संप्रदाय आदि शंकराचार्य जी का हमेशा ऋणी रहेगा इस कार्य करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी तक परपट में लिखते हैं, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य को हम बारंबार नमस्कार करते हैं क्योंकि वो शंकर शंकर साक्षात है और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं मायावाद को स्थापित करने के लिए, लेकिन उनमें घुसना नहीं चाहिए। अगर पढ़ना है तो वो अलग, उसको बहुत बच के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो एक बार पढ़ने लग जाएंगे तो फिर, अगर वैष्णव सिद्धांतों की जानकारी अच्छे से नहीं है, अगर आपने बाहर के ग्रंथों को पढ़ लिया, ठीक है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है कि आप वो ब्रिज प्रीचिंग बोलते हैं ना, तो ब्रिज प्रीचिंग में लोग यहाँ से वहाँ भी चले जाते हैं और वहाँ से वहाँ भी चले जाते हैं। तो आप अगर मायावादियों के साथ ब्रिज बनाना प्रयास करोगे, सोचोगे अरे ब्रिज प्रीचिंग करके उनको बुला लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ चले जाओगे। यदि आपने अपने वैष्णव सिद्धांतों का, शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, तो मायावादियों को छेड़ने के प्रयास में मत जाओ, चुपचाप से भगवान की कीर्ति और यश को गाओ और भक्त बनाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई मायावादी आ गया, अगर उसने आपसे तगड़ा अध्ययन किया है, तो आप उसको काट नहीं पाओगे। इसलिए शास्त्र अध्ययन बहुत आवश्यक है, शास्त्रों का प्रचार करना बहुत आवश्यक है, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। ऐसे ही नहीं मैदान में उतर जाना चाहिए, राइफल विफल अच्छे से लेकर उतरिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? जी हाँ, एक ही बात ना है, प्रेम भक्ति एक ही बात है, ठीक है। हम लोग विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। और कोई प्रश्न है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की जय।